और वेस्ट इंडीज के बीच 21 अक्टूबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है और वनडे सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान होते ही कई फैंस निराश हो गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारतीय फैंस इस बात से नाराज हैं क्योंकि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने विंडीज जैसी कमजोर टीम के खिलाफ युवराज सिंह और सुरेश रैना को टीम में जगह नहीं दी है। फैंस को उम्मीद थी कि विंडीज जैसी कमजोर टीम के खिलाफ युवराज और रैना को वर्ल्ड कप से पहले खुद को साबित करने का एक मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन दोनों की जगह मनीष पांडे, जो मौजूदा समय में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया। इस वजह से फैंस ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक यूजर ने ट्विटर पर इस बात से नाराज होकर लिखा, नो सुरेश रैना, नो यूवी, नो गंभीर, नो व्यूअर्स। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, डज मनीष पांडे पे बीसीसीआई जस्ट टू बी इन द स्क्वाड, हाउ मेनी मोर चांसेस विल ही गेट, डोंट वेस्ट चांसेस ऑन अ यूजलेस प्लेयर लाइक हिम, व्हाई नो दिनेश कार्तिक। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, व्हाई मनीष पांडे, वेयर इज यूवी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या युवराज सिंह और सुरेश रैना को टीम इंडिया में शामिल किया जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।